नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं विरार के महाड़ा कॉलोनी में। यहां आप देख सकते हैं सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की भीड़। आज काफ़ी बड़ा मोर्चा यहां से महाड़ा कॉलोनी से निकलने वाला है, जो महाड़ा कॉलोनी से होकर विभिन्न रास्तों से होकर वसई विरार महानगर पालिका पर जाकर खत्म होगा। यह मोर्चा वसई विरार महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर काम करने वाले कामगारों के हक के लिए यह मोर्चा रखा गया है। शासन ने अभी जो सरल भर्ती प्रक्रिया जो निकाली है, उसके विरोध में यह मोर्चा है। सर्वपक्षीय मोर्चा है। हर एक पार्टी, जिसमें विशेषकर बहुजन विकास आघाड़ी, मनसे, राष्ट्रवादी, RPI, ऐसी कई पार्टियाँ इसमें शामिल हैं। और इस बड़े मोर्चे का आज आयोजन किया जा रहा है। यहाँ बड़े बड़े नेता भी जम रहे हैं, हज़ारों की पब्लिक यहाँ जम चुकी है। और कुछ ही क्षण में यह मोर्चा यहाँ से निकलने वाला है। इस मोर्चे की अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। अभी फिलहाल सुनिए इस मोर्चे के कर्ता धर्ता और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाओ साहब, भारी तादाद में पब्लिक यहाँ जमा हुई है मोर्चे के लिए, क्या विषय बताइए? वसई विरार शहर महानगर पालिकेच्या कर्मचारी, ठेका आणि कंत्राटी यांच्या प्रश्नांसाठी हा मोर्चा आहे। फक्त त्यांचाच नाही तर वसई विरार शहर महानगरपालिका व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाने 17 इतर महानगरपालिकांमध्ये सरळ सेवा भरती घेतलेली आहे आणि त्याला हा आमचा विरोध आहे। कर्मचाऱ्यांच्यासाठी, कर्मचाऱ्यांनी केलेला हा मोर्चा आहे। त्याच्यामध्ये वसई विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियन, स्थानिक कामगार संघ, बहुजन विकास आघाडी, तसेच BJP प्रणित, शिवसेना प्रणित, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, त्याच जोडीला श्रमजीवी संघटना, कामगार संघटना, ह्या सगळ्यांचा ह्या मोर्चाला पाठिंबा आहे। आणि त्यांचे जाहीरपत्र, त्याच जोडीला RPI, ईश्वर धुळे साहेब जिल्हाध्यक्ष, आठवले गट, मनसे, ह्या सगळ्या कामगार संघटना ह्याच्यामध्ये आहेत। आज एक बड़ा मोर्चे का आयोजन किया जा रहा है, प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन की पुलिस बंदोबस्त तो हमने अच्छे तरीके से लगाया है, मतलब जो नियमों के हिसाब से होता है उसी मुताबिक लगाया है। उसमें 3 पुलिस निरीक्षक है, 7 हमारे अदर ऑफिसर है, और 68 हमारे जो कर्मचारी है उसके साथ में मसूबा के 17 कर्मचारी भी हमने लगाए। बंदोबस्त जो है वो जो रूल है वो रूल के हिसाब से हमने लगाए। ये मोर्चे कहाँ से ये माड़ा कॉलोनी यहाँ से निकलेगा मोर्चा और महानगर पालिका तक जाएगा। रेलवे ब्रिज क्रॉस करके आगे चल करके राइट साइड में टर्न करके जाएगा। ट्रैफिक के भी कर्मचारी है और रोड बंदोबस्त भी लगाया और मोर्चा का जो बंदोबस्त है वो लगाया। कितनी पुलिस बंदोबस्त है? अभी तो 67 पुलिस है वो लगाए और 17 ऑफिसर है। बड़ा मोर्चा तो उसको रेलवे स्टेशन के परमिशन कैसे दे दी? पूरा ट्रैफिक जाम हो सकता है, क्या बोले? इस रूट के परमिशन कैसे दी सर, इतना ट्रैफिक हो जाएगा उधर? नहीं, अभी ये टाइम है, ये टाइम पे हिसाब से जो है वो ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, उसी हिसाब से हमने बंदोबस्त भी लगाया है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।